हेलो एवरीबॉडी, जैसे कि मैंने कहा था कि आज तीन वीडियोस बैक टू बैक मिलेंगे, तो ये सेकंड वीडियो है थॉर लव एंड थंडर की। देखो ये मूवी तो कल ही रिलीज हो चुकी थी और मैंने कल ही देख चुका था। इनफैक्ट मैं इसको दो बार देखा हूँ। दो बार देखने की वजह के पहले इंग्लिश में देखा फिर हिंदी में देखा, लेकिन मजे की बात यह है कि एमसीयू अपनी ही पॉपुलैरिटी के नीचे अब दबता जा रहा है। पहले डॉक्टर स्ट्रेंज थी और अब थॉर लव एंड थंडर है। देखो यार, मैं यहाँ पर चाटुकारिता नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ करो, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसके बारे में खुल के बताओ। मूवी एंजॉयबल है नो डाउट, बट ऐसा लगता है ना कि इस मूवी के पीछे कोई विजन होगा, कोई एक मेहनत होगी। एवेंजर एंड गेम देखो, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखो, स्पाइडर मैन नो वे होम देखो, या उससे पहले की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखो। इन मूवीज को देखते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये किसी विजन को लेकर बनाई गई है, मतलब अच्छे खासे बजट में बनाई गई है। और पूरी थ्रू आउट द मूवी में ऐसे बहुत सारे मूवमेंट है जो हमें एज ऑफ द सीट रखते हैं और वो हमें एक्साइटेड रखते हैं। थॉर लव एंड थंडर की बात करें तो देखो, ये मूवी अच्छी है, देखने में मजा आता है, बट मूवी में वो कई बार भी फील ही नहीं होता कि मतलब वाओ यार ये क्या हो गया, मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसे देखकर हम लोग हैरान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। थॉर रैग्नारोक तक तो फिर भी ठीक था कि यार मूवी में कॉमेडी डाली, कुछ अलग हटके देखने को मिला। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी की बात करें तो कॉमेडी है, बट कई की जगह पे बहुत हंसी आती है, जैसे कि फॉस्टर को टोस्टर बोलता तो मुझे अच्छा लगा। कुछ कुछ जगह पे मुझे अच्छा लग रहा, कुछ कुछ जगह पे आपको हंसी भी आती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर मूवी को अगर गौर के नजरे से देखा जाए, द गॉड बुचर के, मूवी को डार्क टोन देना चाहिए था, लेकिन मूवी लाइट और डार्क के बीच में कहीं फंस के रह गई है। बच्चों को ये मूवी ज्यादा अच्छी लग सकती है क्योंकि इस मूवी में बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोग एक एडल्ट एमसीयू फैन से पूछोगे तो ये मूवी लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद एक अलग डिजास्टर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसी डायरेक्शन में एमसीयू चलता गया ना, तो वो जो एक इज्जत बनाई है ना, वो इज्जत कहीं ना कहीं पानी में मिल जाएगी। दूसरे अच्छे एस्पेक्ट्स की बात करें तो भाई, इसका वीएफएक्स मुझे अच्छा लगा। ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, मतलब इनकी प्रीवियस मूवीज के मुकाबले तो इसका वीएफएक्स कुछ भी नहीं है, बट फिर भी वीएफएक्स अच्छा है। एंड हाँ, गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की बात करो तो भाई, ट्रेलर में जितना देखा था मूवी में उतने ही है, तो कुछ ऐसा उनके बारे में खास बात करने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको स्क्रीन पर देखकर अच्छा ही लगता है एज यूजुअल। यार मतलब एमसीयू के फैन और आपको गार्डन ऑफ द गैलेक्सी पसंद नहीं है, रूट पसंद नहीं है, आपको रॉकेट पसंद नहीं, तो हो सकता है यार। उसके अलावा एक्शन सीन्स की बात करो तो एक्शन सीन्स अच्छे लगे मुझे। स्टार्टिंग में जो थॉर का एक्शन है वो बहुत अच्छा लगा, एंड उसके बाद गौर के साथ जितने भी सीन्स थे बहुत ही गजब के थे। अब गौर का नाम आ गया तो मैं कैरेक्टराइजेशन की बात करूँ तो भाई, थॉर के कैरेक्टर को जिस तरीके से पेल रहे मैं यकीन मानो ये दूसरा हल्क बनने वाला है एमसीयू का। खैर उसके अलावा जेन फॉस्टर की बात करूँ तो उसके कैरेक्टर को जिस तरह से आगे बढ़ा है देखकर अच्छा लगा है। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे सबको अच्छी तरह से लिखा है। लेकिन यहाँ पर अगर गॉड द गॉड बुचर की बात करूँ तो ये कैरेक्टर के साथ यहाँ पर जस्टिस नहीं किया है। अगर इस कैरेक्टर को जहाँ से ये गौर की कहानी स्टार्ट हुई है इस मूवी में, अगर उससे थोड़ा और पहले से शुरू करते और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को थोड़ा और स्क्रीन टाइम देते, चीजें थोड़ा और अच्छे से बताते, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस इससे और भी ज्यादा कनेक्ट हो पाती थी। इनफैक्ट फर्स्ट सीन से ही मैं तो गौर से कनेक्ट हो गया था क्योंकि चीजें ही ऐसी बताई थी। तो उसके बाद गौर मुझे विलन नजर ही नहीं आ रहा था पूरे शो में, पता नहीं कि वो एक अलग ही एक सिंपथी उसके साथ हो गई थी। खैर अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्रिस हेम्सवर्थ ने अच्छी कोशिश की है। क्रिस हेम्सवर्थ हमेशा से ऐसा लगता है कि बस ये थॉर के लिए ही बना है, और उसकी दूसरी मूवी ज़्यादातर फ्लॉप ही हो रही है एक्सट्रैक्शन को छोड़ के। फिलहाल जो स्पाइडर हैट्टी वो तो फ्लॉप हुई थी, तो क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर कमाल लगता है। इसके अलावा क्रिश्चियन बेल की बात करूँ तो ये भाई ये उन एक्टर्स में से है कि जो लिटरली एक्टर, कोई ऐसे नहीं कि बस ये पैसों के लिए मूवी बनाती है, अगर किसी मूवी के साथ जुड़ गए तो लिटरली वो कैरेक्टर को जीते हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन बेल ने भी इस कैरेक्टर को जिया है, जो कि देखकर स्क्रीन पर आपको पता चलता है। और कहने का आपको दुख भी होता है कि क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को उन्होंने इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग दी ही नहीं, तो क्या बोले। और टाइका वाइटिटी के डायरेक्शन की बात करूँ तो यार उनका डायरेक्शन हमेशा बहुत अच्छा होता है। उनका डायरेक्शन पहले सिचुएशन बताता है, फिर मूवी में कॉमेडी करता है, फिर जैसे मूवी आगे बढ़ती है थोड़ा टेंशन क्रिएट करता है, फिर थोड़ा इमोशन भी करता है, एंड फिर बाद में एक्शन करता है। तो लिटरली टाइका वाइटिटी का डायरेक्शन का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यार, और अच्छा लगता है। लेकिन अब वो थोड़ा ओवर नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक है, अगर फैंस को पसंद आती तो कोई बात नहीं। पैरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा, मूवी में ज़्यादा अश्लील क्या कुछ भी नहीं है यार, बस तीन किसिंग है, कुछ दो तीन फ्लैशबैक में और एक टाइमलाइन पर है, तो आप लोग जाके देख सकते हो बच्चों के साथ, क्योंकि एमसीयू की मूवीज एक्चुअली बच्चों को और यंग एमसीयू फैंस को नजर में ही रख के बनाई जाती है। तो यार ये था मेरा रिव्यू थॉर लव एंड थंडर पर। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली एमसीयू को यार अब सोचना पड़ेगा।
देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन